ये जो होता है ना, ये आपका ऑटोमेट प्राइसिंग होती है। जो भी आपने जिस एसन पे आपने ऑटोमेटिक वाली जो प्राइसिंग है, अपर लोअर लिमिट सेट करनी है, तो आप उसका यहाँ पे एडेड एसकेयू सिलेक्ट करके उसका एसन सिलेक्ट करते उसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट रख लेते हैं। अब जो भी जब ऑर्डर टेकिंग हो रही होती है, जैसे यहाँ पे है, मैंने इस पे ऑटो प्राइसर लगाना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं जाके बताऊंगा, वो मेरे से पूछ रहा है जी कौन सा ऑटो प्राइसर लगाना है। ठीक है, इसमें आपने मिनिमम या मैक्सिमम वाला लगा सकते हैं, मार्केट की कंपटीशन वाला लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मिनिमम वाला नॉर्मली हम सेट करते हैं। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको वो मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस करके स्टार्ट रीप्राइसिंग में क्लिक करेंगे, ऑटो प्राइसर एक्टिव हो जाएगा। अगर वो अब 9.99 की चीज बेच रहे हैं तो अगला बंदा 9.95 की बेच रहा है, लेकिन आपकी लोअर लिमिट ही 9 है, तो वो ऑटो पे आपकी प्राइसिंग डाउन करके बाई बॉक्स नहीं आपका जाने देगा। इसका ये बात ठीक क्लियर, ये बात, ये वो ऑटो प्राइसिंग होती है प्राइसिंग वाली टैब के अंदर जो कल बता रहा था। तीसरी इसमें अहम है ऑर्डर्स। ऑर्डर में मैनेज ऑर्डर्स का मेन आपका टैब होता है। मैनेज ऑर्डर पे आप क्लिक करते हैं तो आपको वो ऑर्डर नजर आएंगे जो एफबीए के भी होंगे और एफबीएम के भी होंगे। यहाँ पे जाके आप डेट सेलेक्ट कर ले, अच्छा जी 24 है या 24 में मुझे क्या ऑर्डर टेकिंग हुई है, तो क्योंकि ये तो अकाउंट पे हम सेल्स अभी नहीं ले रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये टैब है, यहाँ पे सारे मुझे एफपीए की लिस्टिंग सारी नजर आएगी, यहाँ पे मुझे सारे एफबीएम की लिस्टिंग नजर आएगी। ये ऑर्डर टैब का ये पर्पज है। क्लियर, ये सब। अब जो इसका जो मेन चीजें थी वो, अब ये जो आगे एडवर्टाइजिंग की जो टैब है ना, ये प्राइवेट लेबल से रिलेटेड है, वो जो हम कैंपेन चलाते हैं, गिव अवेज करते हैं, उससे रिलेटेड है। इसका आपसे अभी कंसर्न नहीं, आपका मेन कंसर्न है कैटलॉग, इन्वेंटरी, प्राइसिंग, ऑर्डर। ठीक है, फिर आपका परफॉर्मेंस। इसमें रिपोर्ट्स का भी अहम सेक्शन होता है, सॉरी ये भूल गया, ये पेमेंट्स रिपोर्ट्स टैब के अंदर पेमेंट का सेक्शन होता है। पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे हर ऑर्डर की आपको पेमेंट के बारे में पता चलता है। ये एक विंडो ओपन होती है, इस पे वो आपको बता रहा है आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, कब, जैसे ये उसने कहा जी 4.03, ये तो माइनस में है ना, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव बैलेंस होता तो ये बताता कि जी आपकी अगले मंथ की 2 तारीख को यहाँ से हमने बैलेंस पे देना है, तो जो भी आपका डिपॉजिट मेथड लगा होगा इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। सही है, तो ये पेमेंट सेक्शन में हमें पेमेंट्स का पता चल रहा है, किस ऑर्डर कितनी पेमेंट आ रही है, कितनी जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से मुझे कितने मेरे अकाउंट से माइनस हो रहे हैं, कितने प्लस हो रहे हैं, ये सारा कुछ हमें रिपोर्ट्स के अंदर पेमेंट सेक्शन कैटेगरी के अंदर जाके पता चलता है। ठीक हो गया, तो ये सारी अकाउंट से रिलेटेड मतलब एक जनरल ओवरव्यू था जो हम अमेजोन का आज एक्सरे कर रहे थे कि अमेजोन का सेलर सेंटर होता गया है। होप्स हो गए, मतलब कुछ ना कुछ इससे आपको नॉलेज गेन हुआ होगा, आगे फर्दर जब आप प्रॉपर काम की तरफ जाएंगे तो आप लोगों का आइडिया होगा सारा काम, जो हंटिंग रिसर्च जो भी आप कर रहे हैं वो सारा कुछ इस पे इम्प्लीमेंट होना है, इस पे लिस्टिंग होनी, इस पे ऑर्डर आना, इस पे पैसे बनाने हैं आप लोगों ने, इसी से आपने अपना विड्रा करवाना है। ठीक है, तो ये अमेजोन का सेलर सेंटर जिसको बोल रहे हैं, वो जिस भी मार्केट का, उस मार्केट का, तो यूएस का, यूके, जर्मनी, यूए, जो क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, होलसेल हमारा आज क्लोज हो चुका है सारा। ठीक है, अब होलसेल का आप पूरा भी कोशिश करें, जो भी दिन है प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह अगले वीक से हम सेकंड मॉडल जो है ड्रॉप शिपिंग का उस पे आएंगे। उसके साथ साथ पॉसिबल है हम ईबे भी हिट करें, ईबे की मार्केट ये वाली है, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है अमेजोन के बाद। फिर इसके साथ साथ एटसी है, ठीक है, फिर इसमें फेसबुक मार्केटिंग का है, ठीक है, उसका मैं आप लोगों को टच दूंगा। सही, तो इंशाल्लाह ये मतलब वो 2-3 लेक्चर में मैं कवर कर जाऊंगा, थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएगी। तो आज के 8 लेक्चर, अगले इंशाल्लाह 4 लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा आपकी ड्रॉप शिपिंग सारी निकाल दूंगा। ठीक हो गया, तो अब होल सेल पे एटलीस्ट आप लोग A to Z ग्रिप कर चुके हैं। अब आपकी प्रैक्टिस है, जितनी कोई ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतनी जल्दी अपनी अपने आप को मार्केट के अंदर ही निकाल लेगा। प्रोडक्ट हंटिंग करें, सोर्सिंग करें, ब्रांड अप्रूवल है, जो जो होता है वो करें। ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ा फाइबर अपवर्क का बताऊंगा, बताने के बाद वहाँ पे अपनी एक सीवी टाइप, ये मार्केट प्लेस है अपवर्क, वहाँ पे क्या होता है, आप एक सीवी की फॉर्म में आपकी प्रोफाइल बनती है, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे, डिफरेंट किस्म के अगर वहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइडर मौजूद हैं, वहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जिनको काम चाहिए,
फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मुझे ग्रामर सीखनी है, तो वहाँ पे मैं सीवी अपनी उस डिजाइन वे में डिजाइन करूंगा जी ये मेरी सीवी है, तो जो जिस जिसने ग्रामर सीखनी है वो प्रमोशन चल रही है वहाँ पे आगे आपके इनबॉक्स में है, आपको ऑर्डर प्लेस कर, हाँ जी मैं $20 लूंगा आपको पूरी ग्रामर सीखूंगा, आप 100 लूंगा, 400 लूंगा, मैं प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ तो मैं आपको 5 प्रोडक्ट निकाल के दूंगा, अप्रूवल लेकर मैं इसका $200 लूंगा, मैं इसका फ्रीलांसिंग मार्केट इस तरह चलती है, मैं आपको उसका ओवरव्यू दूंगा मार्केट का, अकाउंट बनाने का बताऊंगा सारा, सही है। तो अब होलसेल का आपका कोशिश करें अमेजोन का, इसको आप रगड़ा दे दे अच्छे, मतलब होलसेल अच्छे से आप कर लें। अब होलसेल की शायद ही कोई चीज़ मैंने छोड़ी हो, मतलब इन डेप्थ जाके सारा कुछ बताया, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई ऐसी चीज आती है नहीं पता चलती तो आप ओपनली आए लेते हैं यहाँ पे, हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया।